ये उन लोगों के लिए है जो इस समय इस लम्हे पे थोड़ा सा हारे हुए हैं। हारे हुए मतलब कि हमने कुछ ट्राई किया और वो नहीं वर्क किया और हम थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं, थोड़ा सा परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं अपने जीवन के तजुर्बे से कह रहा हूँ, समटाइम्स वी ट्राई थिंग्स एंड दे डोंट वर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब यह है वो एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ इट इज़ नॉट वर्किंग। Maybe the body and the mind has not adapted to it. There could be 100 maybes, but वो अभी काम नहीं कर रहा। तो चिंता ना कीजिए, घबराइए ना, वो वर्क करेगा, उसका समय आएगा, उसको आने दें। तब तक थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धीरज रखें। ये मैं अपने जीवन के तजुर्बे से आपको कह रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अभी कुछ समय पहले मैंने सोचा कि चलो वीगन हो जाते हैं और मैंने काफ़ी कोशिश भी की उसके लिए, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यार ये वर्क नहीं कर रहा है, अभी बॉडी अडेप्ट नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन फिर मुझे लगा यार क्यों डिसअपॉइंट होना, हमने कुछ ट्राई किया, फेल हो गए तो क्या हो गया, दोबारा ट्राई करेंगे, अभी नहीं कुछ टाइम के बाद ट्राई करेंगे। इट विल वर्क बट नॉट राइट नाउ बट लेटर ऑन। हैव पेशेंस एंड हैव द बिलीफ इन द यूनिवर्स, इट विल हेल्प। थैंक यू, वी शेयर वी ग्रो।